डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द टाइम इज स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्या करेंगे, पिछले की वीडियो में हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न को देख चुके हैं, इंटरेस्टिंग पैटर्न पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं और इंटरेस्टिंग पैटर्न को हम लोग जान चुके हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, किसी नंबर का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर हम लोग को निकालना है। तो स्क्वायर नंबर हम लोग क्या करेंगे, तीन विधि से हम लोग निकाल सकते हैं। तो तीन विधि में पहला जो विधि है वो क्या है, कॉलम मेथड, COLUMN कॉलम मेथड है, कॉलम मेथड हो गया। दूसरा नंबर में है डायगोनल मेथड, तीसरा नंबर में है विजुअल मेथड। तो ये तीन मेथड को हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन देखेंगे कि कॉलम मेथड क्या है, डायगोनल मेथड क्या है और विजुअल मेथड क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग कॉलम मेथड पर चर्चा करते हैं कि कॉलम मेथड के सहारे कैसे हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालें। ठीक है, तो सबसे पहला जो है किसी नंबर का स्क्वायर निकालने का कॉलम मेथड। तो कॉलम मेथड के सहारे हम लोग कैसे निकालते हैं, कॉलम मेथड को हिंदी में कहा जाता है स्तंभ विधि। तो स्तंभ विधि यानी यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ हम तीन स्तंभ बना दिए, कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री। ठीक है, अब क्या करना है, ये इसके लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा कॉलम टू में 2ab और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, इसी के सहारे ए स्क्वायर, 2ab और बी स्क्वायर के ही सहारे हम लोग क्या करेंगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ 23 का स्क्वायर निकालना है। तो 23 का स्क्वायर जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ए और बी माना गया है। ठीक है, तो ए और बी जो है तब क्या करेंगे, ए के इस नंबर को क्या करेंगे, ए इक्वल टू क्या कर लेंगे 2 और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ध्यान से देख लीजिए कि ये दो डिजिट का नंबर है, तो ए का मान हो जाएगा 2, यानी टेंस डिजिट में जो है वो 2 और ऑन्स डिजिट में जो है वो 3। ठीक है, यानी यूनिट डिजिट का 3 हो गया और टेंस का हो गया 2। ध्यान से देख लीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी मान को ए कॉलम में पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, कॉलम 1 में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 2 का स्क्वायर। ये स्टेप 1 है, पहला स्टेप 2 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 4। अब क्या है, कॉलम नंबर 2 है, 2 में क्या है, 2ab, यानी क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए का मान क्या है 2 और बी का मान क्या है 3। ध्यान से देख लीजिए, ये 2 है फॉर्मूला के लिए, ए के लिए 2 और बी के लिए 3। अब कॉलम नंबर 3 में क्या है, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, बी का मान कितना है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 6 6 2 12। आप लोग देख सकते हैं जब ये मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, यानी पहला स्टेप में ए स्क्वायर, 2ab और बी स्क्वायर का मान जब हम लोग निकाल लेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, यूनिट प्लेस को रखेंगे और यूनिट प्लेस को छोड़कर अगर टेंस प्लेस है तो उसको क्या करेंगे, उस नंबर को हम लोग कैरी करके अगला कॉलम में लेके आएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक ही डिजिट है, तो ये यूनिट नंबर है 9, ये रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कॉलम नंबर 2 में दो डिजिट है, 2 है ऑन्स में और 1 है टेंस में, यानी इकाई अंक 2, दहाई अंक 1। तब क्या हो जाएगा, ये कॉलम 2 से दहाई अंक क्या हो जाएगा, यहाँ कैरी हो जाएगा। तो जब यहाँ कैरी हो जाएगा तो यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये हो गया स्टेप 2।
अब जब ये कैरी हो जाएगा तब क्या है, ये इसको जोड़ दीजिए, ये 5 हो गया, ये 2 बचा हुआ, ये 9 है, तब हम लोग लिख सकते हैं कि 23 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, यहाँ 5, यहाँ 2, ये 9, ये आपका स्क्वायर नंबर निकल गया। आप इसको देख सकते हैं, वेरीफाई कर लीजिए यहाँ कि 23 और 23 को मल्टीप्लाई कर लीजिए क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये देख लीजिए 9 to 5, ये कितना आ गया 5 to 9, आपका आंसर कितना निकल गया 5 to 9 निकल गया। तो इसको बढ़िया से समझ लिए, देख लीजिए कि इस कॉलम मेथड में क्या करना है, हमको 3 कॉलम बनाना है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, यानी स्तंभ 1, स्तंभ 2, स्तंभ 3। स्तंभ 1 में क्या करेंगे, ए स्क्वायर, स्तंभ 2 में क्या करेंगे, 2ab, और स्तंभ 3 में क्या करेंगे, बी स्क्वायर। अब ए और बी का मान को हम लोग 1 by 1 पुट करेंगे, और पुट करने के बाद पहला स्टेप में क्या हो जाएगा, सबका मान निकल जाएगा, और जब सबका मान निकल जाएगा तब सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, वंस वाले डिजिट को छोड़कर, अगर आप लोग देख लीजिए, अगर कॉलम नंबर 3 में यहाँ भी अगर 2 डिजिट का नंबर आता है तो 1 वाले डिजिट को छोड़ देंगे, और टेंस वाले डिजिट को क्या करेंगे, उसको कैरी करेंगे कहाँ, कॉलम 3 से कॉलम 2 में, और 2 में आने के बाद उसको ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद फिर क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस करेंगे कि वंस वाले डिजिट को छोड़ देंगे और टेंस वाले डिजिट को क्या करेंगे, उसको फिर कैरी करेंगे कॉलम 1 में, और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, फाइनल इसको कर लेंगे। अब जब फाइनल हो जाएगा तब इसको हम लोग लिख देंगे, तब ये स्क्वायर नंबर निकल जाएगा। तो ठीक है, फिर हम लोग एक दो क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, ठीक है। कॉलम मेथड के सारे 2 नंबर को हॉल करेंगे, क्या है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग कॉलम मेथड, यानी कॉलम मेथड के सारे जो दिए गए नंबर है उसका स्क्वायर निकालना है। तो आप लोग पहले एक नंबर में क्या कर लीजिए, एक नंबर में हेयर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, 5 हो जाएगा, और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। देख लीजिए ध्यान से, ये 57 है, यानी ऑन्स में क्या है 7 है, ये बी का मान हो जाएगा, और 5 जो है टेंस में ये ए का मान हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉलम ऑन, कॉलम 2, कॉलम 3, अब हो गया कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड और कॉलम 3, ठीक है, ये है। इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, इसको ऐसे भी डायग्राम खींच सकते हैं, ठीक है, खींच के भी आप बना सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 2ab, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। तो आप लोग ए स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 into 5 into 7, और ये 7 का स्क्वायर। ध्यान से देखते जाइए ताकि आप लोग को सुविधा हो जाए। अब देखिए 5 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 25, इसको जोड़ लीजिए, गुना कर लीजिए, तो जब इसको गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 5 to 10, 7 जा 70, और ये हो जाएगा 49। तो मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब पहला स्टेप में आप लोग देखिए, कॉलम नंबर 3 में 2 डिजिट है, कॉलम नंबर 2 में 2 डिजिट है, और कॉलम नंबर 1 में 2 डिजिट है। अब हम लोग क्या करेंगे, वंस डिजिट को छोड़कर जो रेस्ट डिजिट बचा हुआ है यानी 4, इसको क्या करेंगे, यहाँ कैरी कर लेंगे। तो यहाँ कैरी कर लेंगे तो यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ऐड जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 74। अब इसको रख देंगे, अब क्या करेंगे, कॉलम नंबर 2 से 7 को कैरी करके कॉलम नंबर 1 में जोड़ देंगे, तब यहाँ कितना हो जाएगा, 32। अब हम लोग लिख सकते हैं 57 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये जो है पूरा लिख देंगे 32, और ये 4, और ये 9, ये आपका आंसर निकल गया। कहीं डाउट है यहाँ, यहाँ हमको नहीं लगता कि आप लोग का डाउट होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला आइडेंटिटी आप लोग पहले से जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, और उसी के हिसाब से ये कॉलम विधि के द्वारा इसको बनाया गया। अब हम लोग 89 को ठीक इसी प्रकार हम लोग हल कर लेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग देख लीजिए, ये देख लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं,
को मिटाएंगे। अब देखिए, अब दो नंबर में क्या है कि हेयर इसमें क्या है 89 है, तो एक अब देख लीजिए कि दो नंबर में क्या है 89 है, तो 89 में ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 8 और बी का मान हो जाएगा 9। तब अब वही फॉर्मूला है, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम 3, ठीक है। फॉर्मूला ए स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 × 8 × 9, ठीक है, और ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर यानी 64 और 2 × a × b यानी 2 × 8 × 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 144 और 9 का स्क्वायर यानी 81। अब देखिए कॉलम नंबर 3 में 2 डिजिट है, कॉलम नंबर 2 में 3 डिजिट है और कॉलम नंबर 1 में 2 डिजिट है। अब हम लोग क्या करना है, वैसे ही कैरी करना है जैसे हम लोग पहले कैरी किए, तो यहाँ 1 को छोड़ देंगे, 8 को यहाँ कैरी कर लेंगे, इसको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 152, ठीक है। अब यहाँ 2 रख देंगे और क्या करेंगे 15 को कैरी करके यहाँ लाएंगे, 15 को कैरी कर लेंगे और 15 को जब कैरी कर लेंगे इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 79। अब हम लोग लिख सकते हैं 89 का स्क्वायर यानी 79, ये 2 और ये 1, ये आपका निकल गया। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं, तो 89 को क्या कीजिए, आप 89 को 89 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब मल्टीप्लाई कर लीजिए और देखिए कि ये आया कि नहीं, इसको आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि 89 का स्क्वायर यानी 7921 है कि नहीं, ये जो हमारा निकला है क्या ये सही है कि नहीं, इसको आप गुना कर लीजिए तो ये गुना करने पर भी क्या होता है 7921 ही आता है, यानी ये मेरा सही है। तो आप लोग को अगर कॉलम मेथड से स्क्वायर निकालने के लिए कह दे तो आप लोग आराम से इसी फॉर्मूला के सहारे इसी स्टेप वाइज आप लोग निकाल लीजिए स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही कॉलम मेथड को जाने, नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो और रेस्ट मेथड है जिससे हम लोग को स्क्वायर नंबर निकालना है वो हम लोग जानेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोग के साथ।